नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की प्रदर्शनी भाजपा जिला कार्यालय में लगाई गई एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री ज्ञानवती श्री के आतिथ्य में एवं भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे की अध्यक्षता में फीता काटकर शुभारंभ किया गया, जहां कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित सभी भाजपा पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं ने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष का संदेश सुना और कार्यक्रम में अंत में भगवान गणेश जी की प्रतिमा के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भारत को सक्षम और विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया गया। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर जनप्रतिनिधियों सहित कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वन मंडलाधिकारी एवं संबंधित विभाग के कर्मचारियों सहित छात्र छात्राओं एवं स्थानीय लोगों ने भी जिले के विभिन्न स्थानों में वृक्षारोपण का कार्य किया एवं बड़ी संख्या में जिले वासियों ने वैक्सीनेशन महाअभियान में हिस्सा लिया। सुमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस देश के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े नेता माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का 71वां जन्म दिवस बहुत विस्तृत रूप से मनाया जा रहा है। उसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने 20 दिन का पूरा कार्यक्रम तय किया जो 17 सितंबर शुरू होकर 7 अक्टूबर तक चलेगा। उसमें बहुत सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तय किए हैं, जैसे कल 16 सितंबर को समस्त जिले के हर प्रत्येक मंदिर पर स्वच्छता अभियान का चलाया गया, जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता, सरकारी व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी मिलकर समस्त मंदिर प्रांगणों को सफाई किए। आज पूरे जिले भर में प्रत्येक हर मंडल के 10 मंदिरों में, अमरिया जिले में 10 मंडल है, सभी में आज हनुमान चालीसा और रामायण का पाठ किया जा रहा है। और आज मोदी जी का जन्म दिवस है, इसलिए आज मध्य प्रदेश में आज प्रदेश कार्यालय में प्रदर्शनी का अवलोकन हुआ, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया और उसकी अध्यक्षता कटनी से वर्चुअल रूप से बीडी शर्मा जी ने किया, जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के। प्रत्येक हमारे जिले में जिला मुख्यालय पर उस प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया एवं यहाँ स्थानीय सभी मोदी जी की जीवनी की प्रदर्शनी लगाई गई थी। और कोरोना के संक्रमण काल में प्रत्येक बूथ पर 111 लोगों को टीका लगवाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही, जो लगातार 7 दिन तक चलेगा और लगभग 71 लाख लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मतिथि है। मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे देश में आज उनकी जयंती को लोग वृक्षारोपण करके और तरह तरह से मना रहे हैं। हम लोगों ने भी अपनी समिति की ओर से वृक्षारोपण किया है उनकी जयंती के उपलक्ष्य में, और मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भविष्य में जो आने वाली भारत देश की जो चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों से लड़ने के लिए उन्हें मालिक सक्षम और संबल बनाए और भारत देश की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से लड़ करके और उससे लोगों को राहत देने का और उससे उबार करके और एक विश्व में भारत देश की एक जो अनेकता में एकता की जो पहचान है उसको कायम करने में वो सफल हों और हमारा भारत देश विश्व गुरु बने और पूरी दुनिया में भारत देश का नाम एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में उसकी पहचान बने। और मैं अंत में फिर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का आज 71वां जन्म दिवस है। इस 71वें जन्म दिवस को प्रदेश सरकार और प्रदेश संगठन द्वारा यह तय किया गया कि मध्य प्रदेश के जितने भी मतदान केंद्र हैं सभी मतदान केंद्रों में कम से कम एक मतदान केंद्र में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 11-11 सदस्यों को 11-11 लोगों को इस टीकाकरण अभियान से जोड़ते हुए टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। ठीक उसी प्रकार से आज पाली विकासखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा आया गया लोगों को प्रेरित किया गया टीकाकरण के लिए और यहाँ स्वास्थ्य विभाग की स्थिति बड़ी अच्छी है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी अपने स्तर से माकूल प्रयास कर रहे हैं जिससे अधिक लोग आएँ और इस टीकाकरण वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ सकें।
साथ ही मैं आपके माध्यम से समस्त कार्यकर्ता और पाली नगर की जनता से आग्रह करूंगा कि वे लोग भी सहयोग करें और हमारे स्वास्थ्य विभाग का अमला यहां पर मुस्तैदी के साथ सभी जगह जो निर्धारित तय केंद्र है टीकाकरण के वहां वहां वैक्सीन पहुंच चुकी है, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग पहुँच चुके हैं। बस आप सभी लोग आइए और इस टीकाकरण अभियान से जुड़ते हुए मोदी जी के इस जन्मोत्सव में हमने तय किया कि कम से कम आज हम 71 लोगों को टीकाकरण कराएंगे। उसी लक्ष्य को लेकर हर मंडल में भारतीय जनता पार्टी के हमारे 10 मंडल हैं, सभी मंडलों में हमारे कार्यकर्ता 71 लोगों को वैक्सीनेशन करा रहे हैं और मेरा आप सभी से आग्रह है कि आइए और इस टीकाकरण अभियान का हिस्सा बने। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जन्मदिन 71 वर्ष रूप में मनाया जा रहा है। आज पूरे देश में एक महाअभियान चलाकर एक एक कार्यकर्ता एक एक नागरिक उनकी जीवन के लिए दीर्घायु के लिए कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए एक एक वृक्ष लगाकर 71 वृक्ष लगाकर माननीय मोदी जी के जन्मदिन मना रहे हैं। और दूसरा जो हम आज जिला मुख्यालय में प्रधानमंत्री केयर फंड के माध्यम से उन्होंने जो 1000 लीटर उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट हमको जो उपलब्ध कराया है उसके लिए हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपने नागरिक वशी पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप वास्तव में एक जीवन रक्षक के रूप में आप काम कर रहे हैं। हम सब आपके जीवन की दीर्घायु के लिए बहुत बहुत ईश्वर से काम। आज का जो कार्यक्रम है वो अमृत महोत्सव अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के 71st बर्थडे के सेलिब्रेशन के अंतर्गत किया गया है और इसमें हमने पूरे जिले में हर स्कूल में वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस वर्तमान में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 71वां जन्म दिवस है, इस उपलक्ष्य में जिले में कई स्थानों पर 71 पौधे प्रत्येक स्थान पर लगाए जा रहे हैं और वृक्षारोपण में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ बच्चे बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं। अन्य स्थानों पर भी जनता में काफ़ी उत्साह है वृक्षारोपण के लिए। ये सीज़न भी ठीक है, इस सीज़न के लगाए हुए वृक्ष पनपते हैं। इस तरह से पूरे जिले में वृक्षारोपण का आज महाअभियान चल रहा है और इसी साथ में वैक्सीनेशन का भी महाअभियान चल रहा है।